हेलो भाई, सुनो बैक टेक में आपका स्वागत है। क्या आपको मोबाइल हैंग होता है? क्या आपका मोबाइल स्लो चलता है या फिर अटक अटक चलता है? तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने अटके हुए मोबाइल को या तो फिर हैंग हुए या स्लो चलते हुए इसको कैसे सुधार सकते हैं, वो भी तीन चार सेटिंग्स से। मैं आपको साथ दो तीन ट्रिक और भी शेयर के साथ वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने बैटरी को आप बचत कर सकते हैं इन सब सेटिंग के लिए ऑन करते हुए। और साथ में आपको बताने वाला किस तरह से अपने आप जो डाटा रहता है उसे आप सेव कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए चला सकते हैं। जो आपको दिन भर में नहीं चलता है आप हाफ टाइम में मतलब खत्म हो जाता है उसे आप फुल टाइम यूज कर सकते हैं। और साथ में यही बताने वाला किस तरह से आप अपने मोबाइल को जो है होते हैं सोलह चलता है उसे आप सुधार सकते हैं। इस वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बिना टाइम वाले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग ऑप्शन में। सेटिंग ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ इस तरह से इंटरफेस आ गया। तो उसके बाद आपको नीचे जाना है। आप नीचे जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है अकाउंट्स एंड SYNC, ये लिखा रहा है। आपको यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा तो आपको सिंपल करना क्या है, आप देखते हैं सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च लिखना है, यहाँ लिखना है SYNC, आपको लिख के देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे खुद ही ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ देखते हैं अकाउंट्स एंड SNYC, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस आ गया। देख सकते हैं ऑटो SYNC ये डाटा है, इस पर आपको कर लेना है, ऑफ कर देना है। इससे होगा ये, उसके बाद ओके पे क्लिक कर लेना। इससे होगा ये कि आपके जो बैकग्राउंड में डाटा चलता है और डाटा खर्च भी होता है, साथ में आपको बैटरी भी लो होता है, साथ में देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है लैकिंग प्रॉब्लम होता है, इससे लैकिंग इंक्रीज होता है और आपका जो मोबाइल है ये सोलो चलता है और साथ में अटक अटक चलता है, साथ में ये हैंग भी होता है, तो इसको कर देना है ऑफ। तो फिर चलते हैं दूसरे सेटिंग की ओर। आपको जाना है सेटिंग के ऑप्शन में, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ को आपको ढूंढना है सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर सिस्टम अपडेट होगा। आपको लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं मेरे ऑप्शन में आ रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट। आपको अगर यही नहीं आ रहा है, शो नहीं कर रहा, खोज नहीं पा रहे, तो आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल अपडेट लिख लेना है। अपडेट लिख के आपको देख सकते हैं अपडेट लिख लेना। उसके बाद आप देख सकते खुद ही ये लेगा यहाँ पर सिस्टम अपडेट हो गया फिर सॉफ्टवेयर अपडेट। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन उसके बाद आ गया। देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन में राइट साइड में सबसे ऊपर में उसके बाद टॉप है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो अपडेट ओवरनाइट या कुछ उसको ऑन हो उसको ऑफ कर लेना है। उसके बाद तो चलिए तीसरी सेटिंग और चलते हैं। तो आपको करना है प्ले स्टोर को ऑन करना। आप सोचेंगे ऐसा क्या है प्ले स्टोर में भी होता है लेकिन प्रॉब्लम, तो आपको बता देता हूँ कि आधा झंझट जो होता है वो प्ले स्टोर से ही होता है। मान के चलिए अगर आप डाटा ऑन रहे हैं और साथ में अगर कोई ऐप अपडेट आया तो वो ऑटोमेटिक ही अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है। और उससे वजह से होता है जो बैकग्राउंड में डाटा चलता है उसकी वजह से आपको जो डाटा होता है वो खपत होने लगता है, साथ में बैटरी भी लो होता है और साथ में मोबाइल तो हैंग होता है। तो इसको कैसे रोकना है, इसको करना क्या है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अपडेट सेटन 3 लाइन का ऑप्शन है, उसको पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग ऑप्शन है, आपको सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है, एक मिनट क्या हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑटो अपडेट एप्स, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ओवर वाईफाई ओनली, उस पर आपको इसमें नहीं रखना है, आपको रखना है डोंट ऑटो अपडेट एप्स, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। तो चलिए चौथे सेटिंग की ओर चलते हैं। आपको डेवलपर ऑप्शन को आपको ऑन करना, तो उसके करना का आपको सेटिंग ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है अबाउट फोन का, अबाउट फोन आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं अबाउट फोन यहाँ पे लिखा रहा है। उसके बाद बिल्ड नंबर आप देख सकते हैं, बिल्ड नंबर उस पर आपको क्लिक करना है। आपको 7 टैब को आपको क्लिक करना है, 7 टैब को उसके बाद डेवलपर ऑप्शन होगा वो ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जाना है होम स्क्रीन में, देख सकते हैं यहाँ पे इसकी सेटिंग ऑप्शन, उसको आपको आप देख खोज लेना। उसके बाद मोर ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है, या फिर एडवांस सेटिंग हो उस पर जाकर क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या तो फिर नहीं मिलेगा तो आपको सर्च कर लेंगे कहीं भी ढूंढ लेना है डेवलपर ऑप्शन को। तो डेवलपर ऑप्शन को देख सकते हैं एडवांस सेटिंग, उस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गया मेरा, आपको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके सबसे नीचे जाना देख सकते हैं। सबसे नीचे जाने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। आपको यहाँ करना होगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट करने के बाद नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप दो तीन सेटिंग और मैं आपको बताता हूँ, ये खास इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं लिखा रहा है विंडोज एनिमेशन जूम, उसको करना है क्या, यहाँ पे देख सकते हैं टर्न ऑफ एनिमेशन का क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एनिमेशन स्किल, उसके बाद आपको वहाँ भी इसको भी ऑफ कर लेना, देख सकते हैं एनिमेशन ऑफ कर लेना। उसके बाद आप देख सकते हैं अनिथर कंजुटेशन से स्किल उसको क्लिक करना। उसके बाद एनिमेशन पे क्लिक करना है, ये सेटिंग हो गया। तो ये चारों सेटिंग आपको कर लेना है क्या। अगर ये इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि ये मेरे दो सेटिंग आपको बताए जो सबसे इंपॉर्टेंट और साथ में खास है, ये जो लैकिंग प्रॉब्लम होता है ये खास मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। आपको जो आपको बोला है प्ले स्टोर में आपको जाके वहाँ पे सेटिंग ऑप्शन जाके उसको आपको ऑन करना है। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन है उसको आपको ऑन करना है। ये दोनों खास बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लैकिंग प्रॉब्लम के लिए सुधारने के लिए ये रहता है। ये खास कंपनी द्वारा दिया रहता है, जब बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम आता है लैकिंग प्रॉब्लम तब इसको ऑन करना होता है। तो आपको इसको ऑन कर दिएगा, बिना आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, साथ में लैकिंग
करोड़ भी चला जाएगा। अगर ऐसे इस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और लाइक इस वीडियो को जोर से जोर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट छोटा सा कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।